नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं एस पी नाइन जीरो दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है कि जैसे आपको जो सर्दी जुकाम हो जा रहा है तो कोई सुगंध नहीं आता है कोई स्मेल नहीं आता है ना तो आपको महक आती है ना तो आपको गंध आती है ना भी आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको स्वाद आती है तो उस केस में आप कौन से घरेलू नुस्खे का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके दोस्तों इसका कई लोगों ने प्रयोग किया है और उन्होंने बताया कि इसके प्रयोग से हमें रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है वैसे तो ट्रीटमेंट आप जो एलोपैथ की दवाओं का कर रहे थे वो करते रहिए लेकिन ये घरेलू नुस्खा है इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जो सुगंध की क्षमता है वो काफ़ी जल्दी सही हो जाएगी वैसे तो क्या होता है कि लगभग एक से डेढ़ हफ्ते में या दो हफ्ते में लोगों की सुगंध वापस आती है जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं ना उनको कोई महक आती है ना कोई दुर्गंध आती है कुछ नहीं होता है उनके नाक से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो इसमें आपको क्या करना है आपको लेना है नींबू नींबू आपके घर में भी उपलब्ध होगा अगर आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो उसके इसमें आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए और ले आइए उसको और क्या करना है आपको नींबू को निचोड़ लेना है दो बूंद नींबू का जो रस है उसको आप निकाल लीजिए उसके बाद में आप दोनों नाकों में डाल लीजिए दो बूंद इस नाक में दो बूंद इस नाक में और तेज़ी से ऊपर को सांस ले लीजिए तो इससे क्या होगा कि आपको तुरंत खांसी आएगी और खांसी के साथ साथ में आपके जो बलगम है वो बाहर आएंगे और प्लस आपको जो सुगंध और दुर्गंध की प्रॉब्लम थी जो आपको नहीं आ रही थी उसमें काफ़ी अच्छा रिलैक्स देखने को मिलेगा जैसे ही दो तीन दिनों दिन तक आप इसका प्रयोग करते हैं इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एक तो इसका प्रयोग करिए दूसरा क्या है कि अगर आपको बुखार भी आ रहा है प्लस सर्दी जुकाम है आप दवा खा रहे हैं तब तक आपका ठीक हो जा रहा है और उसके बाद में फिर से आपको सर्दी जुकाम यानी बुखार आ जा रहा है तो उसके इसमें आपको क्या करना पानी को गर्म कर लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको नमक डाल लेना है वही पानी आपको दिन भर पीना है ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके सर्दी जुखाम में काफी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसके प्रयोग से किसी को भी कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा चाहे वो गर्भवती महिला हो चाहे कोई पुरुष हो या फिर कोई बच्चा हो सभी को आप गर्म पानी के साथ में नमक को दे सकते हैं इसको पीने से हाँ जिनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई रहता है उनके लिए तो नुकसानदेह हो सकता है लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पर आप नमक और पानी का प्रयोग कर सकते हैं नमक की मात्रा बहुत थोड़ी सी डालनी है गर्म पानी में उसी को आप पीजिए उससे आपके खांसी भी ठीक हो जाएगी और उसके साथ साथ में आपको जो सुगंध की प्रॉब्लम थी उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके साथ साथ में आपको जो बुखार आ जा रहा था उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इस टाइम पे ऐसा है कि सभी लोगों को सर्दी जुखाम है और सर्दी जुखाम के कारण लोगों के बदन में दर्द होता रहता है उनकी पूरी बॉडी जो है उसमें पेन होता रहता है तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो उसके इसमें आप प्रयोग करिए आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा नाक में आपको नींबू का रस डालना है और आपको गर्म पानी के साथ में नमक का प्रयोग करना है आप जब भी पानी को गर्म तो उसी में थोड़ा सा जैसे suppose that जैसे आपने लीटर पानी गर्म किया है तो उसमें आप आधा चम्मच से थोड़ा और भी कम यानी आधा चम्मच का आधा आप नमक डाल दीजिए और उस पानी को गर्म कर लीजिए और बोतल में भर लीजिए जब भी आपको प्यास लगे एक थोड़ा सा पीना है आपको ज्यादा पीना है कुछ भी करना है आप उसी पानी को पीजिए ना कि आप ठंडे पानी को पीजिए या फिर कुछ लोग गर्म पानी का भी प्रयोग करते हैं तो उससे उनको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा नमक डाल के पीजिएगा तो जो पानी का रिस्पांस हो जस्ट डबल हो जाएगा आपके आपका जो सर्दी जुकाम था वो भी काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ में आपको जो बुखार था उसमें भी काफ़ी अच्छा रिलैक्स देखने को मिलेगा आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है आपको ठंडे का प्रयोग नहीं करना है अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो और उसके साथ साथ में आपको किसी भी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है जो चीज़ ठंडा होता है और जैसे कुछ लोग होते हैं कोल्ड का प्रयोग कर लेते हैं या फिर खट्टे चीज़ों का प्रयोग करते हैं जैसे नींबू को पी लेते हैं तो ऐसा अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप गर्म पानी पीते हैं चावल नहीं खाते हैं रोटी का प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म पानी का प्रयोग करते हैं और नाक में अगर आप नींबू का रस डालते हैं तो वहाँ पर आपको सर्दी जुकाम में बुखार में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जो नींबू का रस डालना है वो दो तीन दिनों तक आप करिए उसके बाद में आपको सुगंध आना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पे काफी ज्यादा समस्या है और हमारे पास में भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें जब से सर्दी जुकाम हुआ है तब से सुगंध नहीं आ रहा है या फिर दुर्गंध नहीं आ रहा है या फिर जो खाना खाते हैं उसको स्वाद नहीं मिल रहा है और हम एलोपैथ की दवाओं का भी प्रयोग करें लेकिन उसे जब तक प्रयोग करते हैं तब तक तो रिजल्ट रहता है नहीं बुखार उनका सही रहता है बॉडी में पेन नहीं होता है लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता है उनको उसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो अब जो दवा आपको जो डॉक्टर ने जो दवा दिया है उसका भी प्रयोग करते रहिए उसके साथ में आप गर्म पानी के साथ में उसमें नमक डाल के उसका प्रयोग करिए और नाक में आप दो बूंद इस नाक में नींबू का रस डालिए दो बूंद उस नाक में दोनों नाक में डाल के और ऊपर करके उसे खींच लीजिए सूंघ लीजिए यानी साँस जो है आप ऊपर ले लीजिए यानी अंदर तक आपके चला जाए इससे आपको खांसी आएगी छींक आएगी जिसके कारण आपका जो बलगम है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा दो तीन दिनों दिन तक इसका प्रयोग करिए और गर्म पानी का जब तक आपको प्रयोग करना है जब तक आपका बुखार जो है जड़ से ठीक नहीं हो जाता है दो तीन चार दिनों तक उसका भी प्रयोग करेंगे तो आपका जो बुखार है सर्दी जुकाम है वो ठीक हो जाएगा और इससे कोई नुकसान नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई कोई बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके नाक में आप मत डालिएगा नींबू लेकिन उसको आप गर्म पानी के साथ में नमक का प्रयोग करवा सकते हैं इससे उसको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इससे आपके अंदर जो पानी की कमी हो जाती है वीकनेस आपको आपके अंदर जो आने लगती है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप इसका प्रयोग करें इसके प्रयोग से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई हो जो हमने आपके साथ में ना प्रोवाइड की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद आप अपना ख्याल रखिएगा